हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ हेडर के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो हेडर होता है वो डेफ टैंक के अंदर लगा होता है और इसके अंदर एक डेफ क्वालिटी सेंसर, डेफ लेवल सेंसर और डेफ टेम्परेचर सेंसर भी होता है, जो कि कुछ इस तरह से होता है। ओके, और इसके वायरिंग हार्नेस कनेक्टर पर 4 पिन होती हैं, जो कि एक वायर पर 24 वोल्ट की सप्लाई आती है और सेकेंड वाले पर ग्राउंड, और बाकी के जो 2 वायर होते हैं उन पर 2.5 वोल्टेज आते हैं, जो कि कैन वायर के होते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर इस हेडर में कोई प्रॉब्लम होगी या वायरिंग हार्नेस में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये कुछ इस तरह के फॉल्ट कोड जनरेट होंगे। यदि आपकी गाड़ी का डेफ लेवल लो हो जाएगा तब भी कुछ फॉल्ट कोड जनरेट होंगे। यदि आपकी गाड़ी का जो डेफ है ना, उसकी अगर क्वालिटी सही नहीं होगी तो भी कुछ फॉल्ट कोड जनरेट होंगे। तो ये सारा का सारा स्क्रीनशॉट मैंने आपको शो करा दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको खोलने के लिए हमें एक स्पेशल टूल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि देखने में कुछ इस तरह का होता है। तो सबसे पहले हमें इस टूल को हेडर के ऊपर माउंट करना होता है और एल टाइमिंग की मदद से हम इसको घुमाते हैं, तब ये ओपन और क्लोज होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं फिट कर रहा हूँ इसको, और ये इसकी मदद टूल की मदद से बड़ी आसानी से फिट हो जाता है फ्रेंड्स।